हेलो गाइस, राजेश फॉर सिंपल स्टूपिड टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने मीट एंड आई में स्लो मोशन और सुपर स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। मीट एंड आई में आपको फुल HD और 720p रेजोल्यूशन में स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 960fps की सुपर स्लोमो वीडियो का भी सपोर्ट है। स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए पहले तो कैमरा ऐप ओपन करिएगा, फिर मोर में जाइएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा स्लो मोशन का ऑप्शन। अब आप स्लो मोशन वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके पहले लेकिन अगर आपको रेजोल्यूशन चेंज करना है या फिर जो स्लो मोशन की स्पीड है यानी कि 240fps, 120fps या 960fps में अगर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करना है तो इस बटन को दबाइएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा 120fps, 720p, 240fps, 720p और 960fps, 720p। फुल HD रेजोल्यूशन में आप सिर्फ 120fps पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फुल HD 120fps में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ स्लो मोशन का। अब देख सकते हो कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। नीचे जो टाइमर है यहाँ पे आपको एक बार भी दिखेगा, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि स्लो मोशन वीडियो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका एक सेकेंड कब कंप्लीट होगा। 720p 240fps वीडियोस भी आप ऐसे ही रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे 240fps की वीडियो ज़्यादा स्लो होगी 120fps से। अब रही बात सुपर स्लो मोशन वीडियोस की, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि स्लो मोशन की जो वीडियो है वो सिर्फ जो लास्ट क्वार्टर है वो 960fps पे रिकॉर्ड होगा, बाकी टाइम पे वीडियो रेगुलर स्पीड पे ही रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे जो शटर बटन है उसके पास भी आप देख सकते हो, ये स्टार्टिंग का जो पूरा पार्ट है ये इसमें वीडियो नॉर्मल स्पीड पे रिकॉर्ड होगा, और लास्ट वाला जो पार्ट है, लास्ट जो क्वार्टर है, उसी में वीडियो सुपर स्लोमो में रिकॉर्ड होगा। सुपर स्लो मोशन वीडियो में रिकॉर्डिंग टाइम का एक लिमिटेशन है, यहाँ पे आप मैक्सिमम 0.4 से 0.8 सेकंड्स तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये रियल लाइफ टाइम है, प्लेबैक टाइम ऑब्वियसली इससे ज़्यादा स्लो होगा। इसे छोड़ के भी सुपर स्लोमो वीडियो में और लिमिटेशन है, क्वालिटी भी कोई खास नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एक सुपर स्लोमो वीडियो को एडिट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फिल्टर्स ऐड कर सकता हूँ, कैप्शंस ऐड कर सकता हूँ, साउंड ट्रैक्स ऐड कर सकता हूँ। साउंड ट्रैक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुपर स्लो मोशन वीडियो में किसी भी तरह का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। वहीं पे अगर मैं एक रेगुलर स्लो मोशन वीडियो को एडिट करूंगा तो यहाँ पे मुझे थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे मैं जो वीडियो की स्लो मोशन पार्ट है उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता हूँ। फिल्टर्स, कैप्शंस और साउंड ट्रैक का ऑप्शन तो आपको यहाँ पे भी मिल ही रहा है। अगर एक स्लो मोशन वीडियो का कुछ पार्ट को ही आपको स्लो रखना है, बाकी पार्ट को स्पीड अप रखना है, तो उसके लिए आपको एडिटर में नहीं बल्कि नॉर्मल गैलरी मोड में देखना, कोई भी स्लो मोशन वीडियो में एक आइकन दिखेगा ऐसा, इस पर प्रेस करना, तब आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि वीडियो को कौन से पार्ट को आप स्लो में प्लेबैक करना चाहोगे और कौन से पार्ट को आप रेगुलर स्पीड में प्लेबैक करना चाहोगे। ये फीचर एक्चुअली तो एडिटर का पार्ट होना चाहिए लेकिन फॉर सम रीजन यहाँ पे ऐसा नहीं है, और ये ऑप्शन आपको सुपर स्लो मोशन वीडियो के लिए भी नहीं मिलता है। फ्रंट कैमरा से भी आप स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो फुल HD 120fps और 720p पे भी 120fps पे लिमिटेड है। 240fps पे स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने का आपको कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है किसी भी रेजोल्यूशन पे। फ्रंट स्लो मोशन वीडियोस को भी जब आप एडिट करोगे तो आपको वही यूजुअल ऑप्शंस मिलते हैं, आप इसकी लेंथ को कम कर सकते हो, फिल्टर्स ऐड कर सकते हो, कैप्शंस ऐड कर सकते हो, साउंड ट्रैक ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा पार्ट है वीडियो का जो स्लो मोशन में प्लेबैक होगा और कौन सा रेगुलर स्पीड में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपने मीट एंड आई में स्लो मोशन और सुपर स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।